hello dear students so this is my 19th video and still i am continuing with the chapter of central tendency in this chapter we were doing the mathematical the statistical portion and today we will start with the discrete series of the exercise here i have taken a question where we see that there is marks of students given and number of students are mentioned so in discrete series also we can solve this question from direct method from shortcut method and from step deviation method so this marks is written as x and number of students is mentioned as frequency. And when we multiply both these f into x, we get this calculation. Sigma f is equal to n is equal to 100. Sigma f liko ya n liko equities hai. Fx mentioned f into x, 10 into 5, 10 into 14, 15 into 18, 20 into 20, 25 into 16, 13 to 12, 35 into 6, 14 into 4. Now it's time to calculate. So sigma fx is equal to when we add all these numbers, what we have got is 1990. Now, when we solve this solution from our direct method we write x bar equals to sigma fx by sigma n so 1990 divided by 100 we get 19.9 marks so this is the solution of this question and we are doing it from discrete series next question we are doing the same question, but the method has been changed here. What we write shortcut method in discrete series. Now, same question we are continuing with, same numbers x, f. What we have got a change is with the formula. The formula for shortcut method we have already discussed is x bar equals to a plus sigma f dx divided by f. So, how do we calculate this dx? This dx is calculated like this. We write dx in another column and we take an assumed mean that is assumed mean from the x. Here we have taken 20. We can take either of the numbers. एक्सक्लूडिंग फाइव एंड फोर्टी आपको ऊपर के नंबर और लास्ट के नंबर को छोड़कर आप कोई भी किन्हीं भी नंबर को लेकर ये ए मान सकते हैं जिसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए से एक्स हमारा है फाइव और एज्यूम्ड मीन है माइनस ट्वेंटी तो जब फाइव में से आप माइनस ट्वेंटी करोगे तो आंसर आएगा माइनस फिफ्टीन वॉट वी हैव टेकन ओवर हियर सिमिलरली टेन माइनस ट्वेंटी गेट माइनस टेन फिफ्टीन माइनस गेट माइनस फाइव ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज जीरो माइनस ट्वेंटी इज फाइव थर्टी माइनस ट्वेंटी इज टेन थर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी इज फिफ्टीन फोर्टी माइनस ट्वेंटी इज ट्वेंटी डीएक्स कैलकुलेट कर लिया हमने किस फॉर्मूले से x माइनस ए से a कहां से आया a आया इन बीच के नंबरों में से एक नंबर इसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन अब हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट कॉलम में दैट इज f डी एक्स एफ इन टू डी एक्स वी हैव गॉट एफ वी हैव गॉट डी एक्स सो टेन इंटू माइनस फिफ्टीन इज माइनस वन हंड्रेड फिफ्टी 14 into minus 10 इज minus 140, 18 into minus 5 is minus इज 20 into 0 is 0, इज into 5 is इज 12 into 10 is इज 6 into 15 is 90, इज into 20 is 80. इज इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे माइनस के नंबर्स को एक साइड रखेंगे प्लस के नंबर्स को एक साइड रखेंगे और दोनों से हम लोग माइनस कर देंगे तो आएगा एफ डी एक्स दैट इज माइनस टेन सब कैलकुलेशन हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रिप्ट सीरीज के अब हम आएंगे अपने फॉर्मूला पे वॉट वी सी वी हैव टू राइट ए फर्स्ट ए इज ट्वेंटी वॉट वी हैव सिलेक्टेड दिस ए ए सिलेक्टेड वॉज ट्वेंटी एफ डी एक्स हमने कैलकुलेट करके निकाला था माइनस टेन सिग्मा एफ जो हमने कैलकुलेट किया था यहां भी या एन या एफ वो है हंड्रेड अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नाइनटीन पॉइंट नाइन मार्क्स शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी सेम आंसर आया सो so ये हो गया शॉर्टकट मेथड। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने स्टेप डेविएशन मेथड की ओर सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड में हमें याद करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है इट इज वेरी सिमिलर विद द शॉर्टकट मैथड फॉर्मूला बट अ स्लाइड डिफरेंस हियर यू राइट एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स पढ़ सकते हैं या एफ डी वन एक्स पढ़ सकते हैं डिवाइडेड बाई एफ इन टू आई अब हम सेम क्वेश्चन के साथ स्टेप डिविएशन मेथड में पढ़ाई करेंगे सेम क्वेश्चन है जो हमने बनाया है शॉर्टकट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में x है f है सेम नंबर्स dx यहां भी कैलकुलेट करना है x माइनस ए जैसे हम लोगों ने निकाला था n यहां कैलकुलेट करके 100 लिखना है द्विस्ट ओवर हियर इज टू बिफोर कैलकुलेटिंग f dx एक्स वी कैलकुलेट आई या डी डैश एक्स आई मीन्स होता है इंटरवल इंटरवल कितने गैप्स में चल रहा है और डी डैक्स एक्स निकलता है dx एक्स बाई आई से तो इंटरवल हमें सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में कितने का गैप है फाइव और टेन में कितने का गैप है टेन और फिफ्टीन में कितने का गैप है फिफ्टीन और ट्वेंटी में कितने का गैप है तो बिल्कुल सिमिलर है यहां पर डिफरेंस जो आ रहा है इंटरवल का इसे कहते हैं आई जो कि है पांच का ठीक है अब हम d डैस एक्स कैलकुलेट करते हैं डी डैस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई आई सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डीएक्स सो डी एक्स वॉज माइनस फिफ्टीन एंड वेन इट वॉज डिवाइडेड बाई आई दैट इज फाइव वी हैव गॉट माइनस थ्री सिमिलरलीकेंड क्वेश्चन वॉट वी सी माइनस टेन बाई बाई फाइव दैट इज माइनस टू इन थर्ड वी हैव माइनस फाइव बाई फाइव 1 वन जीरो बाई फाइव इज देन वी हैव टेन बाई फाइव दैट इज फाइव 5 फाइव इज वन टेन बाई फाइव इज टू फिफ्टीन बाई फाइव इज थ्री ट्वेंटी बाई फाइव इज फोर सभी नंबर्स के हम लोगों ने डी एक्स कैलकुलेट कर लिए अब कुछ नहीं करना है जिस तरह से हम एफ इन डी एक्स करते थे एफ इंटू डी एक्स अब हम सिर्फ करेंगे एफ इंटू डी डैश एक्स एफ फ्रीक्वेंसी एंड डी डैश एक्स जो अभी हमारा ये छोटा नंबर्स आया है सो टेन इंटू माइनस थ्री इज माइनस थर्टी फोर्टीन इंटू माइनस टू इज माइनस ट्वेंटी एट एटीन इंटू माइनस वन इज माइनस एटीन ट्वेंटी इंटू जीरो इज जीरो सिक्सटीन वनजा सिक्सटीन 12 twos are ट्वेंटी फोर सिक्स थ्री जा एटीन एंड 4 फोर 16. सिक्सटीन हेयर वी हैव एफ डी जब हम इसे add करेंगे सारे नंबर्स को हमारे पास नंबर आएगा दैट इज minus टू formula में पुट करेंगे assumed मीन था 20, एफ डी आया minus टू फ्रीक्वेंसी थी हमारी 100 और इंटरवल था 5 का जब आप कैलकुलेट करोगे answer will be 19.9 marks so same question has been same question has been attempted with all the possible methods that is individual method that is direct method this is shortcut method and this is the step deviation method hope you people have understood from this thank you students